हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सोंटी सिनेमा समरी में। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह वेब सीरीज फैन हैं और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते वेब सीरीज को लेकर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 हाईएस्ट रेटेड टीवी शो के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 5 पर टीवी एपिसोड है जिसकी अर्निंग 9.1 आउट ऑफ 10 है। दोस्तों, यह 5 एपिसोड मिनी सीरीज आपको सक्सेसफुल इंसान तक बना सके, क्योंकि इस सीरीज में दिखाया जाता है कि 4 एंटरप्रेन्योर जो स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, तो स्टार्टअप करने से पहले जो डर लगता है और उसके लिए वह अपनी जॉब तक को छोड़ देते हैं, तो वह किस तरह से अपने स्टार्टअप में आगे बढ़ते हैं और बढ़ाते हैं, तो उसके लिए आपको सीरीज को देखना पड़ेगा। मैं इतने पैसे कमाऊंगा ना, एक बार मुझे फंडिंग मिल जाए, ये मोकार्ड को खरीद के ना मैं नंबर 4 पर है शेरलॉक जिसकी आई एम रेटिंग 9.1 आउट ऑफ 10 है। दोस्तों, इस सीरीज की बात करें तो यह क्राइम और मिस्ट्री से भरपूर सीरीज है जिसको 2010 से 17 के बीच 15 एपिसोड तक बनाया गया था। इस सीरीज के बारे में बताना सीरीज को स्पॉइलर करने जैसा है, क्योंकि इसकी जबरदस्त स्टोरी और जबरदस्त एक्टिंग एक्शन जो आपको अंत तक बांध कर रखती है। सीरीज में दिखाया जाता है कि लंदन में हो रहे अपराध को सॉल्व करते हुए दिखाया जाता है। वह इतने अमेजिंग तरीके से आपको सामने प्रेजेंट किया है कि आप एक समय भी पलक नहीं झपकाओगे। आपको भी एक्शन एडवेंचर मिस्टीरियस से भरपूर सीरीज पसंद है तो यह आपके लिए शेरलॉक मस्ट वॉच सीरीज है। नंबर 3 पर है द वीटलेस गेटबैक जिसकी अर्निंग 9.2 आउट ऑफ 10 है। दोस्तों, इस सीरीज को हॉटस्टार पर रिलीज किया गया। यह 3 एपिसोड की मिनी सीरीज है जिसको 2021 में रिलीज किया गया। इसकी जेनर की बात करें तो यह डॉक्यूमेंट्री म्यूजिकल सीरीज है जिस सीरीज में एक म्यूजिकल ग्रुप जिसका नाम होता है द वीटलेस को दिखाया जाता है। नंबर 2 पर है सैजियर जिसकी आई एम रेटिंग 9.1 आउट ऑफ 10 है। दोस्तों, इसकी जैनर की बात करें तो यह क्राइम मिस्टीरियस शो है जिसको 2018 में 12 एपिसोड साथ बनाया गया है। यह एक टर्किश क्राइम ड्रामा की मिनी सीरीज है जो सैजियर हकीम के द्वारा लिखी गई है। इस सीरीज के बारे में अगर मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा तो आप सीरीज को ही नहीं देखोगे, क्योंकि छोटी सी तो सीरीज है और इतनी कमाल की सीरीज के बारे में अगर मैं आपको बताता हूँ तो आप सीरीज को नहीं देखोगे। नंबर 1 पर है प्लैनेट अर्थ सेकेंड जिसको आप प्लैनेट अर्थ फर्स्ट का दूसरा वर्जन भी कह सकते हैं।